फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को घुमाता हूँ लुम्बानी पार्क में। और लुम्बानी पार्क जो है वो एक झील भी बनी हुई है यहाँ पे इसके पास में, और लेके चलते हैं आपको। बहुत ही सुंदर सीन है यहाँ का, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो घूमने के लिए आ रहे हैं, बच्चों के लिए। इधर देखिए बहुत सारे झूले जो है वो बने हुए हैं, और यहाँ का सुंदर सीन आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए झूले वगैरह बने हुए हैं, और इधर से शाम का व्यू है और इवनिंग व्यू आपको दिखाते हैं। इधर से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर जो है वो घूमने के लिए आए हुए हैं, और काफ़ी सुंदर सीन। और इधर जस्ट जो है वो सामने इधर सचिवालय बना हुआ है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और सामने एक सुंदर झील, तो झील के किनारे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, और यहाँ पर जो है वो बहुत सारे ट्रीज़ आप लोगों को दिखाएंगे, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है वो आप आर्ट भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पर आर्ट गुड नाइस। तो बोटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर सामने एक भगवान बुद्ध की स्टेचू लगा हुआ है, वहाँ तक आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डीलक्स फैमिली बोट के लिए 700 स्पीड बोट, यहाँ पर जो है वो 100, 250, ये बहुत सारे जो है वो यहाँ पे रेट यहाँ पे लगे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर जो है वो नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इधर से मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, ये पेड़ जो है वो आई थिंक ऐसे लग रहा है जैसे नारियल के पेड़ हों, और इनके ऊपर सच में जो है वो ये नारियल के पेड़ हैं, इनके ऊपर नारियल लगे भी हुए हैं। भाई पहली बार आप देखोगे यहाँ पे इस चैनल के ज़रिए नारियल के पेड़, तो वो देख सकते हैं बड़े बड़े नारियल लगे हुए हैं उन पर, काफ़ी बड़े बड़े नारियल जो है वो लगे हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, शॉप वगैरह लगी हुई है यहाँ पे बहुत सारी, कप वगैरह अपना लव फोटो वगैरह सब कुछ बनवा सकते हैं यहाँ पे। और इधर से एंट्री करेंगे, ओ भाई क्या नज़ारा है, सुंदर सीन यहाँ पर देख सकते हैं, क्या मस्त नज़ारा है। बोट आ रही है देखो, और यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। और बुद्धा टेंपल तक जो है, यानी कि बुद्धा की जो मूर्ति है बनी हुई है, वहाँ पर जो है वो आप विज़िट कर सकते हैं। तो बोट देख सकते हैं, शानदार सफ़र कर सकते हैं बोट के अंदर आप, और घूम सकते हैं मज़े से। और एक देखिए सामने से बोट आ रही है, क्या स्पीड से मज़े से जो है वो आ रही है, मस्त एक्सपीरियंस हो सकता है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं भी यहाँ पे बोटिंग करूँगा, घूम सकते हैं आप यहाँ पे, और देख सकते हैं भाई क्या गज़ब का नज़ारा है यहाँ पे। सामने हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ, जब जब तिरंगे को देखते हैं तो हमारी आन बान शान तिरंगे के सामने नतमस्तक होते हैं हम लोग। और ये देखिए बहुत सारी बोट्स यहाँ पर जा रही हैं, नज़ारा सुंदर नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम का सीन हो गया है, और मैं लेने चलता हूँ अभी टिकट। भाई बहुत आनंद आ रहा है, अभी टिकट लेंगे। और यहाँ पर देखिए टिकट्स काउंटर लगा हुआ है, स्पीड बोट के लिए है 500 फोर पर्सन, और डिलेक्स फैमिली बोट, रज श्यामा सा फैमिली बोट, और बुद्धा विजिट। तो यहाँ पर ये टिकट लगे हुए हैं, और यहाँ से हम लोग जो है वो टिकट लेंगे आगे। एक बहुत बड़ी बोट है, मज़ा आता है भाई ऐसे ना घूमने का।
नाइस एक्सपीरियंस होगा। तो अभी लेते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर आ गया है, सो टिकट काउंटर से हम लोग टिकट लेंगे। टिकट काउंटर, तो अभी हमें फैमिली मिल गई है, उसके साथ हम करेंगे एंजॉय। और राजस्थान के भाई लोग मिले हैं, हेलो हेलो सर, और करेंगे एक्सपीरियंस। तो यहाँ से लाइफ जैकेट लेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे अंदर बोट में। यहाँ से वही लाइफ जैकेट पहनेंगे, मस्त एक्सपीरियंस रहेगा। तो भाई एक राजस्थान से फैमिली मिली है, उनके साथ करेंगे एक्सपीरियंस बोट पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं। लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और टिकट आप, बोट आ चुकी है भाई हमारी, बोट में बैठेंगे इधर और मज़े से बनाएंगे व्लॉग। क्या नाइस एक्सपीरियंस रहेगा, चलें सर हम लोग। भाई चलो, भाई भैया चलो, चलिए तो बैठते हैं। आइए, तो यहाँ पर हम लोग बैठेंगे, देखिए तेलंगाना में एक्सपीरियंस करेंगे बोट का। ओके, यस, गजब व्यू, गजब। हम लोग बुद्धा स्टैचू के पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा दिन में होता तो और मजा आता, हाँ, बट नो इशू, लाइट का फिर नहीं आता। हाँ, लाइट चला के रखिए, आप लोग इधर से बनाते हैं।
बहुत बढ़िया लगा भाई, मजा आया। थोड़ा दिन में आते ना और थोड़ा सा अच्छा होता है।